अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। 10 किलोवाट सोलर प्लांट कॉस्ट इन पाकिस्तान, अगर आप अपने घर की छत के ऊपर 1200 यूनिट्स पर मंथ बनाने वाला सोलर पैनल का प्लांट लगाना चाहते हैं इस तरह का, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह के वीडियो मिल जाया करें। टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी नई नई चीजें आ रही है मार्केट के अंदर पाकिस्तान में या यूरोप के अंदर, उन तमाम के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लेटेस्ट मेरे वीडियोस देखेंगे तो स्मार्ट ग्लासेस जो एनके इस वक्त मोबाइल की जगह लेने जा रही है, अगले 1 या 2 सालों में मोबाइल्स खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह पे ग्लासेस आ जाएंगे। उन ग्लासेस के जरिए से ना सिर्फ ये कि आप वीडियो मूवीज बना सकेंगे, स्टिल तस्वीरें खींच सकेंगे, बल्कि वो मोबाइल फोन ऐसा होगा जिसके ऊपर आप टीवी भी देख सकेंगे, जिसके ऊपर वीडियोस भी देख सकेंगे और उसी ऐनक के जरिए से आप हर बंदे को पहचान सकेंगे। हर वो बंदा जो फेसबुक के ऊपर एक्टिव होगा, जिसका फेसबुक के ऊपर चेहरा होगा, तस्वीर होगी, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ आप उसको एक झलक देख के, फर्ज किया मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, जो जो बंदा आपके सामने गुजरता जाएगा वो आपको नजर आता जाएगा कि ये बंदा कौन है। आपने देखी होगी टर्मिनेटर 2 मूवी, ये 1990-91 में आई थी। उसके अंदर वो जो आर्नोल्ड होता है, जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने जो जो बंदा आ रहा होता है उसके बारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो उसको आ रही होती है। इसी तरह के जब वो आई ग्लास आप लगा लेंगे, जब तक अगले साल 2025 में आएंगे तो आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप आ जाएंगे 10 किलोवाट सोलर प्लांट कॉस्ट इन पाकिस्तान, यानी 10 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है पाकिस्तान में। अब 2024 एंड होने वाला है। एक चीज आपको और बता दूं कि कल से कुछ अफवाहें आ रही हैं कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस दोबारा से बढ़ जाएंगी, क्योंकि 25 रुपए पर वाट तक तो प्राइसेस आ चुकी है मार्केट के अंदर, कुछ लोग 24 रुपए पर वाट भी दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि दिसंबर तक ये प्राइसेस गिर के 10 से 15 रुपए पर वाट तक भी आने की उम्मीद है। तो हो ये रहा है कि जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था उन्होंने जाहिर है कंपैरेटिवली महंगा खरीदा था, अब वो सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन अब उनको एक आइडिया है, जैसे वो पिछले साल करते थे कि वो स्टॉक को संभाल के रख लेते थे, छुपा लेते थे और वो कहते थे जी स्टॉक महंगा होने वाला है तो आप खरीद लें, तो लोग फिर पैनिक में आके खरीद लेते थे। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी पैनिक में आके चीजें ना खरीदा करें। इस वक्त ये उनकी एक तरह की चाल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोलर पैनल बकसरत है, हजारों के हिसाब से कंटेनर्स हर हफ्ते कराची पोर्ट के ऊपर लैंड हो रहे हैं, कराची पोर्ट के ऊपर हजारों कंटेनर हर हफ्ते आ रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्राइसेस 10 से 15 रुपए पर वाट तक आनी ही आनी है और 15 दिन 20 दिन महीना, मैं पिछले 1.5 साल से आपको बता रहा हूं, पिछले साल जून के महीने के मेरे वीडियोज आप देख लें, उसको जब 130 रुपए पर वाट था तब भी मैं आपको कह रहा था कि ये 50 रुपए से नीचे आ जाना है पर वाट, और आपने देखा कि 50 रुपए छोड़ के 25 रुपए तक आ गया, और 25 से आप 15 रुपए और 12 रुपए और 10 रुपए पर वाट भी अगले चंद माह के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। यूरोप वालों ने अपने प्लांट लगा लिए, सऊदीया वालों ने अपने लगा लिए, दुबई वालों ने अपने लगा लिए, इंडिया वालों ने अपने लगा लिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने प्लांट्स लगा लिए सोलर पैनल बनाने वालों, तो इस वजह से चाइना का जो माल है वो बहुत ही ज्यादा आ चुका है मार्केट के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो बकसरत अवेलेबल है, कराची से लेके ग्वादर तक और ग्वादर से लेके आपके गिलगित बल्तिस्तान तक और केपीके और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, डीजी खान, हर जगह पे जो वेयर हाउसेस हैं, जो गोदाम है, वो छत तक भर गए हैं सोलर पैनल, हत्ता कि यहां तक हो गया कि कुछ गोदाम वालों के पास जगह कम हो गई थी तो उन्होंने बाहर खेतों के अंदर सोलर पैनल रखने शुरू कर दिए हैं। खेतों के अंदर उनको दीमक लगनी शुरू हो गई है, उस सोलर पैनल का जो डब्बा होता है लकड़ी का होता है नीचे से भी और साइडों से भी, उसको दीमक लगनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से आप टेंशन ना लें, सोलर पैनल की प्राइसेस नीचे आने वाली हैं। आज के दिन में 10 किलोवाट सोलर प्लांट कॉस्ट क्या आएगी पाकिस्तान के अंदर, जो कि 1200 यूनिट बना के देगी, इसमें 3 AC आपको चलेंगे, 1 फ्रिज चलेगा, 1 पानी की मोटर चलेगी, आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी, आपका स्पिनर चलेगा, आपके घर में जो जो चीजें हैं, फैंस हैं, 6 या 8 पंखे चल जाएंगे, 15 से 20 LED लाइटें चल जाएंगी, आपका लैपटॉप चल जाएगा, आपका मोबाइल चल जाएगा, आपका LED TV चल जाएगा, ये सारी चीजें जितनी भी घर के अंदर चीजें होती हैं सारी की सारी चलेंगी। और इवन फ्यूचर के अंदर आपकी जो गाड़ी है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आपने ले ली है, कोई भी ऑडी की गाड़ी ली है आपने, टेस्ला की गाड़ी ली है, या इवन होंडा की इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, कोई भी आपने गाड़ी ली है, तो वो भी आप इसी सोलर सिस्टम के ऊपर चार्ज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी,
अगला आ जाएंगे जी, सबसे पहले 17 अदद आपको सोलर पैनल लेने पड़ेंगे। आज के दिन में सोलर पैनल का जो रेट है वो 25 रुपए पर वाट है, एन टाइप का जो अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल है। 590 वाट का जो सोलर पैनल होगा, बाईफेशियल यानी डबल ग्लास, ए ग्रेड का, जिसके बार कोड उसके शीशे के नीचे लिखे होंगे और उसको आप अपने मोबाइल से वेरीफाई कर सकते हैं। बार कोड को वेरीफाई करने का तरीका भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोज में बताया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वीडियोज मिल जाएंगे सोलर से रिलेटेड। और इवन विंड टर्बाइन्स के बारे में मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको लाजमी देखें, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी मिलेंगे। जो वीडियो खत्म होगा उसके ऊपर भी मैंने 4 वीडियो दिए होते हैं एंड स्क्रीन के ऊपर, वो भी आप लाजमी देखा करें। और अगली जो चीज है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम ये होता है कि जो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना। अल्टरनेटिंग करंट आपको होता है निकोला टेस्ला की याद है, जो उससे पहले जितना भी करंट होता था वो डीसी करंट होता था, जो कि एडिसन के जमाने में जब वो बल्ब होते थे तो एडिसन वाला डीसी करंट था और निकोला टेस्ला वाला एसी करंट है। तो एसी डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वर्टर लगाना पड़ता है। इन्वर्टर 3 तरह के आते हैं, एक होता है लोकल इन्वर्टर जो कि लाहौर में कसरत बन रहे हैं, गली गली में बन रहे हैं और बहुत सस्ते बन रहे हैं। उसमें 6 कैपेसिटर होते हैं, कुछ आईजीबीटीज होते हैं, कुछ कॉयल्स होते हैं, कुछ उसके अंदर फैंस होते हैं और एक हीट सिंक होता है और सप्लाई होती है, बटन होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं उसके अंदर, एसी होते हैं, आईसी मतलब, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा आपको मिलेगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख में आता है, कुछ 2 लाख का भी मिल जाता है 10 किलोवाट का। तो वो जो 2 लाख तक का आएगा उसकी वारंटी 1 साल की होगी। जो ज्यादा वारंटी वाला, अगर आपने 5 या 6 साल वाला वारंटी वाला लेना है, IP65 लेना है, तो वो आपका महंगा होता जाएगा। और अगर आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना है तो वो 5 लाख रुपए का भी मिलता है, 4 लाख रुपए का भी मिलता है, जिसके साथ आप बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं। 4 अदद आपको बैटरी लगानी पड़ेगी अगर आप ट्यूबलेट टाल बैटरी लगाते हैं या एसिड लेड बैटरी लगाते हैं। लेकिन अगर आपने लिथियम की बैटरी लेनी है, जो कि 4-5 लाख रुपए की एक ही बैटरी आती है, वो बैटरी वाला जो इन्वर्टर वो मिलेगा 4-5 लाख का, और बैटरी भी 4-5 लाख रुपए की आपको मिलेगी। तीसरी चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है जो फ्रेम है जिसके ऊपर आपने सोलर पैनल को फिट करना है। L2 स्टैंड अगर आप लेते हैं ना, 14 गेज का यानी 14 गेज एक हैवी बना हुआ जिसके ऊपर जंग भी नहीं लगता, यानी गैल्वनाइज्ड L2 स्टैंड अगर आप लेते हैं, तो एक स्टैंड आपको 4000 से लेके 4500 का या 5000 का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। वो आपको 9 स्टैंड लेने पड़ेंगे, वो कुछ 40000 की रेंज में आपको 9 स्टैंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाना है, यानी 8 फुट या 10 फुट ऊंचे गार्डर फिट करने हैं अपने छत के ऊपर, गार्डर लगा के उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं, तो उसका खर्चा 2 लाख से 2.5 लाख तक आ सकता है। क्योंकि जो गार्डर होते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं, और दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि वो एक दूसरी छत बन जाती है। उस छत के नीचे आप अपने कपड़े सुखाने के लिए भी आप तारे वगैरह भी बांध सकते हैं, नीचे वाली छत भी आपकी यूज हो जाएगी। अब अगली चीज है अर्थिंग। अर्थिंग जरूरी इसलिए होती है कि बाज़कात करंट बहुत तेज हो जाता है और आप करंट सोलर पैनल्स के ऊपर अगर किसी का हाथ लग जाए, करंट पड़ने का भी खतरा होता है, इसलिए अर्थिंग करवानी जरूरी है। फिर दूसरी चीज होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर एक मेटल का बना हुआ एक चीज होती है, हाथ सा बना होता है ऐसे, और वो कॉपर का आमतौर पर बनता है, कॉपर का या ब्रास का। तो वो सोलर पैनल के ऊपर लगाया जाता है, तकरीबन 7-8 फुट ऊंचा एक जगह पे पाइप लगा के, तो वो लगाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर बिजली जो आसमानी बिजली है वो उसके ऊपर गिर जाए सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर की भैंसें हो, ब्लैक कलर के बाल हो, उसके ऊपर जो बिजली है ना वो गिर जाती है। तो सोलर पैनल भी ब्लैक कलर के होते हैं, उसके ऊपर भी बिजली गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उसके ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना पड़ता है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर हो जाए, फिर अर्थिंग हो जाए, ये सारा 50,000 का ये खर्चा है। फिर एसी डीसी के जो ब्रेकर्स होते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं, सारा डीपी बॉक्स लगाना पड़ता है, डीपी बॉक्स, एसी डीसी ब्रेकर, ये सारा को मिला के 40-50,000 रुपया खर्चा है। फिर एसी और डीसी वायर्स भी लगती हैं, कुछ एसी वायर्स लगती हैं, कुछ डीसी वायर्स लगती हैं, सारी वायर्स का खर्चा तकरीबन 60,000 रुपया है, क्योंकि 6 mm की कुछ जगह पे वायर लगती है, कुछ जगह पे 10 mm की वायर लगती है, कुछ जगह पे 4 mm की वायर लगती है। वायर कुछ अच्छी कंपनीज की होती हैं जो 99.9% प्योर कॉपर की होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एल्युमिनियम की होती है, और कुछ ऐसी होती है जो होती कॉपर की है, ऊपर एल्युमिनियम का पेंट किया होता है, जिसे कहते हैं टिन कोटेड भी आपको तारे मिलती हैं बाजार में। अगली चीज है सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर का मतलब है अगर वापडा की तरफ से आपको हैवी लोड आ जाए, कभी 11,000 वोल्ट का झटका लग जाए, बाज का होता है कि 11,000 वोल्ट जो है ना वो आपकी तारों के अंदर से आपके घर में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका एसी जल जाता है, आपका फ्रिज जल जाता है, आपकी
पानी की मोटर जल जाती है क्योंकि बहुत तेज करंट आ रहा होता है बाज़ कार, क्योंकि बीच में ट्रांसफार्मर का कुछ जल जाता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस लिए सर्ज अरेस्टर एक लगाना पड़ता है। और सर्ज अरेस्टिंग के डिफरेंट डिवाइसेज आती हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेज आती हैं, वो भी लगानी पड़ती हैं। ये सारा कोई मिला मिलू के 40,000 रुपए की इस तरह की चीजें आएंगी। थ्री फेज का सर्ज अरेस्टर का सारा वो सिस्टम लगाना पड़ता है। फिर आगे आ जाए इंस्टॉलेशन, जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू को उसको कोई इलेक्ट्रीशियन ही बना दें। इलेक्ट्रीशियन बना के वो महीने का लाखों कमा सकता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख एक सोलर सिस्टम लगाने के जो 2 दिन का काम है, मैक्सिमम 2 दिन का काम है, 1 दिन 6 घंटे लगाते हैं, अगले दिन फिर 6 घंटे लगाते हैं, तो उसके वो 50,000 रुपए ले लेते हैं। तो दे विल चार्ज यू 50,000 रुपीज फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स। उसमें काम क्या है, छत के ऊपर जाके L2 स्टैंड के को फिट करना है, वो जाहिर है ड्रिल मशीन जो 2-3 हजार की आती है, वो ड्रिल मशीन के जरिए सुराख करके छत के लेंटर के अंदर वो L2 स्टैंड लगा देंगे, बाद में उन तारों को नीचे जो इन्वर्टर है उसके अंदर लगा देंगे, इन्वर्टर को भी किसी भी दीवार के ऊपर लगा देंगे। तो ये सारा काम है उनका, इतने काम का वो 50,000 रुपया आपसे ले लेंगे। ये अब मैं आपको कॉस्ट टोटल बता देता हूं। अगर आपने 10 किलोवाट सोलर प्लांट लगाना है और लगाना है ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ, यानी ऑन ग्रिड ऐसा सिस्टम जिसके साथ बैटरी नहीं लग सकती, और अगर बिजली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो ये बंद भी हो जाएगा, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम आपको सस्ता पड़ेगा। ये तकरीबन 8 लाख रुपए मिलेगा 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम, इसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपया। और अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लेना है विदाउट बैटरीज, अगर आपने लेना है तो वो मिलेगा हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, वो आपको मिलेगा तकरीबन इससे 2 लाख रुपए ऐड कर लें तकरीबन 10 लाख रुपए का। और अगर आपने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाना है, यानी ऊंचा स्ट्रक्चर लगाना है जो 8 से 10 फुट ऊंचा, तो आपका खर्चा हो जाएगा 12.5 लाख रुपया। ये है 10 किलोवाट सोलर प्लांट की कॉस्ट, ठीक है, इन पाकिस्तान। अगली चीज है, अगर आपने उसके साथ बैटरीज भी लेनी है, आम अगर ट्यूबलेट बैटरी लेंगे तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए में L2 स्टैंड लगाएंगे आप, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर भी लगाएंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाएंगे और ट्यूबलेट बैटरी भी लगाएंगे, ये तकरीबन आपका 15 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर आपने लगानी है एक बैटरी, वो भी लिथियम की जिसकी वारंटी 10 साल होती है, तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ के 17 से 18 लाख रुपए पर चली जाएगी। मैंने आपको 4 डिफरेंट सिनेरियोज बता दिए। एक सिनेरियो जिसमें 10 किलोवाट का सिस्टम आपको 8 लाख रुपए में लगेगा, दूसरे में 10 लाख का लगेगा, तीसरे में 12.5 में लगेगा, चौथे में आपका 15 में लगेगा, और पांचवें सिनेरियो में जब लिथियम बैटरीज आप अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगाते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 17 लाख टू 18 लाख रुपीज। आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी कॉस्ट कितने साल में पूरी होती है। आमतौर पर 2.5 से 3 साल में आपका जितना खर्चा आपने किया होता है वो पूरा हो जाता है, और बाकी किए जो 27 साल है टोटल, चूंकि सोलर सिस्टम होता है 30 साल के लिए, अगले जो 27 साल है आपको बिजली फ्री में मिलेगी। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपको 4-5 साल बाद बैटरीज और 4-5 साल बाद इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कराची वालों के लिए, ग्वादर वालों के लिए, हब वालों के लिए यह भी कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो यू कैन बाय अ विंड टर्बाइन आप लगवा लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि डायरेक्टली आपको 220 वोल्ट आता है, आपको किसी किस्म का इन्वर्टर लगाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप 220 वोल्ट के ऊपर अपनी चीजें चलाएंगे। और अगर आपका घर भी 3-4 मंजिला ऊंचा है, उसके साथ आप पाइप लगा के 100 फुट ऊंचा कर लेते हैं ना किस तरीके से, तो 100 फुट ऊंची आप टर्बाइन आप लगाएं तो इजीली आप कर सकते हैं। मैं अगले 1-2 वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा कि आपको खुद से बनाना सिखा दूंगा कि विंड टर्बाइन अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अपने घर के अंदर बनानी है, किसी खरातिया की मदद से, किसी मैकेनिक की मदद से, किसी प्लंबर की मदद से, किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से, तो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा गाइड करूंगा, और आपने किसी बंदे की हेल्प लेके विंड टर्बाइन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की चीजें लगा के बना लेनी है। पाकिस्तान में आपको पता है कराची में शेरशाह कबाड़ी मार्केट है, लाहौर में बिलालगंज मार्केट है, वहां से आपको फैंस मिल जाते हैं, फैंस को थोड़ा सा अल्टर करना है, गाड़ियों के जो फैंस हैं वो भी विंड टर्बाइन के फैन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों का जो होता है ना आप जनरेटर, उसी को आप विंड टर्बाइन के जनरेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपको सारा तरीका मैं बताऊंगा। बाकी मैं आपको ये कहूंगा कि कुरान मजीद हमेशा तर्जमे के साथ पढ़े, जैसे अल्लाह ने हमें फरमाया है कि वा तसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पढ़ो। हमें चाहिए कुरान मजीद पढ़े तर्जमे के साथ, और कुरान मजीद से मतलब अच्छी कोई किताब नहीं। अब तो आप इमेजिन करें, अंग्रेजों ने भी इस बात को मान लिया, ChatGPT में भी उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया कि कुरान के अंदर जैसे मैथमेटिकली दुनिया और आखरत, तो जिंदगी और मौत सारे एक बिल्कुल सिमेट्री में आते हैं, जितनी दफा जिंदगी का लफ्ज है उतनी दफा मौत का जिक्र है,
जितनी दफा दुनिया का जिक्र है उतनी दफा आखिरत का जिक्र है, जितनी दफा ये एक एक चीज जो है ना बहुत सिमेट्रिकल है। और एक और आपको मैं बता दूं कि आप कुरान की सूरह बकरा की आखिरी आयात का तर्जमा भी पढ़ें, आयतल कुर्सी का तर्जमा भी पढ़ें, और इस उसमें जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 48 में अल्लाह ने फरमाया कि इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आए और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और किसी से किसी का बदला कबूल किया जाएगा, ना लोग इस तरह मदद हासिल कर सकेंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा क्यामत वाले दिन। सूरह बकरा आयत नंबर 48 ये आपके सामने भी डिस्प्ले हो रही है। तो क्यामत वाले दिन किसी भी बंदे की सिफारिश, अगर आप आयतल कुर्सी का तर्जमा पढ़े ना, तो उस दिन किसी भी बंदे की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी, सिर्फ सिफारिश उसकी कबूल की जाएगी जो अल्लाह जिसकी इजाजत देंगे अल्लाह पाक। और दूसरी चीज ये है कि जो बड़े मुजरिम है ना, जो जानबूझ के जुर्म करते हैं किसी भी किस्म का, चाहे वो महंगी चीजें बेचते हैं, चाहे वो रिश्वत लेते हैं, सूदखोरी करते हैं, कोई भी जुल्म करते हैं किसी के ऊपर भी, तो उनकी बख्शिश का बड़ा मुश्किल चांस है। बख्शिश सिर्फ उन लोगों की होगी जिनसे गलती से कोई गुनाह हुआ है, गलती से कोई गलती हो गई है, तो वो अल्लाह से अगर अस्तगफार करते हैं और बार बार करते हैं तो उनकी दुनिया में भी अस्तगफार हो सकता है और क्यामत वाले दिन उनको उनकी सिफारिश हो सकती है। लेकिन जो परमानेंट मुजरिम हो, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था जो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे लोगों की ऐसे लोगों के लिए सिफारिश भी कबूल नहीं होती, ना दुनिया में ना आखिरत में। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।